हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ प्रोटीन रिच हेल्दी चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और वेट लॉस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने एक कटोरी काले वाले चने लिए हैं, इनको मैंने रात में भिगो दिया था। आप चाहें तो 5-6 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इनमें और ये 1/2 टीस्पून नमक है, इसको भी ऐड कर देंगे। कुकर को बंद करके इसको बॉईल होने के लिए गैस पे रख देंगे। चनों को बॉईल करने के लिए कुकर में 5 से 6 सीटी लगाएंगे। उसके बाद में इसकी जो गैस है वो खुद से निकल जाने देंगे और उसके बाद में चनों को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर चनों को मैं थोड़ा सा फ्राई करके यूज़ करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट बॉयल करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को, थोड़ा सा जीरा। जीरा जब भुन जाए उसके बाद में जो बॉयल किए हुए चने रखे थे वो डाल देंगे इसमें। चनों को अच्छे से चलाएंगे। चनों को फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब सूख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ये धनिया पाउडर, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसी तरीके से चलाते रहेंगे चनों को। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए, जो भी इनका पानी था वो सब सूख चुका है। चने फ्राई हो चुके हैं, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, चनों को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये खीरा ले रही हूँ, इसको मैंने कट कर लिया है। टमाटर है, प्याज है, थोड़ा सा पनीर लिया है क्योंकि पनीर प्रोटीन में रिच होता है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसमें, खीरा, टमाटर, ये कटी हुई प्याज, और ये काला नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी ये काली मिर्च, इसको भी स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा ये चाट मसाला, इससे और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा टेस्ट। थोड़ा सा ये हरा धनिया, ये 1/2 लेमन है, इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच किसी में भी बना सकते हैं, एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मील है ये। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे क्योंकि पनीर प्रोटीन में रिच होता है, और पनीर को ऐड करने से जो ये मील है और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से और लीजिए, आपकी हेल्दी और डिलीशियस चना चाट बनके तैयार है। आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी ले सकते हैं। बहुत डिलीशियस होती है और इसके साथ साथ बहुत हेल्दी है। आप इसको वेट लॉस में भी ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।